पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी शहर में दो निहंग सिख समूह जो है वो आपस में भिड़ गए, फिर उन्होंने पुलिस वालों से झड़प भी की। इस दौरान गोलियां भी चली। घटना में एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक डीएसपी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अभी भी गुरुद्वारे के भीतर 30 से 40 हथियारबंद निहंग सिख मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया तो वो फिर इसका विरोध करेंगे। इस घटना के बाद कपूरथला में माहौल तनावपूर्ण है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए हैं। इंडिया टुडे से जुड़े मंजीत सहगल की रिपोर्ट के मुताबिक निहंग समूहों में ये झड़प अकालपुर बुंगा गुरुद्वारे को लेकर हुई थी। ये गुरुद्वारा कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी शहर में है। दोनों निहंग समूहों का दावा है कि अकालपुर बुंगा गुरुद्वारे पर उनका मालिकाना हक है। बीती रात पुलिस ने कब्जा करने वाले 10 निहंगों को गिरफ्तार किया था और फिर पुलिस को ये भी सूचना मिली थी कि इस केस की FIR में शामिल कुछ निहंग जो हैं इस गुरुद्वारे में छिपे हुए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस गुरुद्वारे पहुंची। इस दौरान निहंगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। माहौल बिगड़ा तो पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कपूरथला DC कैप्टन करनैल सिंह, IG जलंधर रेंज, S भूपति, SSP वत्सला गुप्ता समेत आला अधिकारी सुल्तानपुर लोधी पहुंच गए हैं और इस स्थिति से कैसे निपटा जाए इसे लेकर गुरुद्वारा बेर साहिब में मीटिंग की जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी प्रज्ञा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, सही सही कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तो ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या बताना सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।